नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अलका गोयल, सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी कि यूरिन में प्रोटीन आता है तो क्यों आता है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या परेशानियां हैं और उसके साथ साथ क्या लक्षण हैं और उसके साथ क्या गंभीर परेशानी आपको हो सकती है। तो सामान्यतः यूरिन में प्रोटीन नहीं आना चाहिए। कोई भी प्रेग्नेंट हो, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स हो, प्रोटीन नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर हमारे बॉडी से प्रोटीन लीक करता है तो आपने हमेशा देखा होगा कि जो यूरिन का टेस्ट होता है उसमें लिखा होता है एल्बुमिन या प्रोटीन, तो उसके आगे आपको वो मार्किंग देते हैं 1+, 2+, 3+ और ट्रेस। ट्रेस तक तो यूरिन में प्रोटीन आना हम लोग ठीक फिर भी मानते हैं, ठीक है। मगर अगर 1+ भी यूरिन आ रहा है, में प्रोटीन आ रहा है या एल्बुमिन आ रहा है, आपको रिपोर्ट में एल्बुमिन या प्रोटीन जैसे भी लिखा है, तो तुरंत अपने निकटतम डॉक्टर के पास जाएं। यह प्रोटीन आना शो करता है कि आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपका यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहा है बॉडी का, और आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है जिसकी वजह से बॉडी सूज जाती है, बॉडी में पानी भरने लगता है, बीपी और बढ़ने लगता है और बच्चे में भी गंभीर परेशानी हो जाती है। बच्चा कमज़ोर होने लगता है, बच्चे में अंदर पानी की कमी हो जाती है, अंदर बच्चे को जो रक्त देती हैं धमनियाँ, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो थोड़ी सिकुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से बेबी भी कई बार ग्रोथ रिटार्डेड होता है, जिसको भी हम लोग कई बार IGR बेबी कहते हैं। और कई बार आपने भी देखा होगा उसको हम लोग कहते हैं कि अंदर पानी की कमी हो गई है या डॉपलर में चेंजेस आ गए हैं, ब्लड वेसल्स नैरो हो गई हैं। तो जैसे भी आपको लगे कि अगर आपने यूरिन कराया है उसमें ट्रेस आ रहा है, 1+ आ रहा है और 2+, 3+ तो बिल्कुल सीवियर कंडीशन में आ जाती है, उसमें तो आपके डॉक्टर फिर खुद ही से इलाज करेंगे। मगर ट्रेस और 1+ भी है तो उसको इग्नोर नहीं करें, इग्नोरेंस बिल्कुल नहीं करें। वो आपका दर्शाता है कि जो मदर है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। बहुत कॉमन कॉज यही होता है। सेकेंड होता है कि आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो किडनी में अगर इन्फेक्शन हो रहा है उसमें सिर्फ प्रोटीन ही लीक करेगा, उसमें आपको पसल्स भी दिखाई देंगे यूरिन में जो आपके डॉक्टर बताएंगे, या आपको जलन भी होगी, पेशाब बार बार लगेगा, पेशाब करने में दर्द होगा और बुखार भी आएगा। मगर अगर ये सब परेशानी नहीं है और सिर्फ यूरिन की रिपोर्ट में आपको बता रहे हैं आपके डॉक्टर या आपने खुद ही देखी है कि प्रोटीन आ रहा है, आपका BP हाई रहता है, तो उसको गंभीरता से लें, उसको आप इजीली नहीं लें और तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके इसका उपचार कराएं। मगर बहुत सी हमारी बहनें हैं जो डॉक्टरी सलाह अपनी प्रेगनेंसी में पूर्णता नहीं ले पाती हैं, कुछ कारणवश कुछ रूरल एरिया में होती हैं, निकटतम डॉक्टर नहीं मिलते हैं, या कई बार बहुत ट्रांसफरेबल जॉब होती है, बिजी होती है, तो अगर उनके को कैसे पता लगे कि अचानक से उनके यूरिन में प्रोटीन आने लगा है। जब आप यूरिन करें और आपके वेस्टर्न टॉयलेट में पॉट में उस पानी में जिसमें कि आपका यूरिन जा रहा है उसमें झाग बनने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आपका यूरिन ठीक नहीं आ रहा है, झाग बहुत बन रहे हैं और आप यूरिन टेस्ट कराएं या अपने डॉक्टर के पास मिले। दूसरी चीज़, अगर आपके पैरों में बहुत स्वेलिंग हो रही है ना, और आपको कभी कभी सिरदर्द भी हो रहा है, आपको यूरिन में भी झाग आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि आपके बॉडी में रक्तचाप बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपका बॉडी का प्रोटीन लीक करके यूरिन में जा रहा है, जो कि झाग के रूप में आपको पता ही लग रहा है। ज़रूरी नहीं कि सबको झाग आए यूरिन में और जब झाग आए तभी जाएं। जब तक यूरिन में झाग आएगा तब तक प्रोटीन बहुत लीक करेगा और आपके BP बहुत बढ़ चुका होगा। तो आपके पैरों में स्वेलिंग आ रही है, आपको टाइटनेस लग रही है, आपने जो अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, आपको सुबह उठते तो लगता है कि अंगूठी बहुत टाइट हो रही है, उंगलियाँ बहुत सूज गई हैं, अंगूठी निकल नहीं रही है, आपको कभी कभी सिर में दर्द हो, ये सारे ब्लड प्रेशर बढ़ने के सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं। तो इसमें आप तुरंत निकटतम अपनी डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लें, मिले। इसमें बिल्कुल भी आप इग्नोरेंस नहीं करें, क्योंकि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स में जो रक्तचाप होता है बहुत ही घातक सीरियस होता है और कई बार बहुत परेशानियां कर देता है और फिट्स वगैरह भी कर देता है। तो इसमें आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलकर उसका उपचार लें, अपने रक्तचाप को कम करने के लिए दवाइयाँ लें, यूरिन का टेस्ट कराएँ, लीवर फंक्शन टेस्ट करें और जो भी आपके डॉक्टर कहें, जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट कहें, उनकी सलाह माने। इससे संबंधित आपको कोई भी परेशानी है, क्वेरी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकती हैं। मैं अपनी और अपने टीम के साथ जुड़कर आपकी सारी परेशानियों को सॉल्व करने की, क्वेरीज को सॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगी। उसके अलावा मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड छोटे छोटे वीडियोज़ डालती रहती हूँ आप लोगों के लिए, आपकी समस्याओं के निवारण के लिए। छोटी छोटी क्वेरीज होती हैं प्रेगनेंसी में, तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें। नमस्कार।